आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। MIDC फेज 4 परिसर स्थित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल में अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती की जाएगी। 4 जून को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। इसके लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रक्रिया को नियोजनबद्ध एवं सावधानी पूर्वक पूर्ण करें। ऐसे निर्देश चुनाव निर्णय अधिकारी अजीत कुम्भार ने दिए। अकोला तथा बारशिटाकली में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी छात्रावास में निःशुल्क प्रवेश देना शुरू किया गया है। छात्रावास में निःशुल्क आवास, भोजन, स्टेशनरी भत्ता, गणवेश भत्ता एवं मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। छात्रावास में ई लाइब्रेरी, मेडिटेशन सेंटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिले के प्रत्येक विद्यालय का परिसर तंबाकू मुक्त होना चाहिए। यदि विद्यालय एवं महाविद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अजीत कुम्भार ने दिए। महानगर में महाविद्यालय और स्कूलों के पास बड़े पैमाने पर अवैध तंबाकू की पान पट्टियां लगी है। 1 महीने बाद मानसून एक्टिव हो जाएगा। अभी तक अकोला के किसी भी बड़े नाली की सफाई आरंभ नहीं की गई है। साथ ही शहर के मुख्य परिसरों के छोटे नाले भी पूरी तरह चौकब दिखाई दे रहे हैं। मनपा तुरंत इस ओर विशेष ध्यान देकर युद्ध स्तर पर सभी मुख्य नालों की सफाई कराए। शहर के अनेक नर्सिंग होम और पॉली क्लिनिक से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में सामान्य कचरे में ही फेंका जा रहा है। रात के अंधेरे में चोरी छिपे मेडिकल वेस्ट यहाँ वहाँ डाल दिया जाता है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इसी कड़ी में सड़क पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने के मामले में नाइक अस्पताल पर महापालिका की ओर से जुर्माना ठोका गया। अकोला की सड़कों पर कई अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जो एक भयानक खतरे का संकेत दे रही हैं। इस खतरे को भांपते हुए अकोला महापालिका प्रशासन सतर्क हो गया है। इसके लिए महापालिका की ओर से कई अवैध होर्डिंग धारकों को नोटिस दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ माह पहले हुए अकोला दंगे के आरोपी तथा कांग्रेस के नेता साजिद खान पठान के विरोध में दापकी रोड पुलिस थाने में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से गजानन गवई ने FIR दर्ज की। इसके बाद साजिद खान पर विविध धाराओं में अपराध दर्ज किया गया। वंचित के नेता प्रकाश अंबेडकर के विरोध में किए गए अपशब्दों के उपयोग में यह अपराध दर्ज किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 15 जुलाई को शुरू होगी। जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा जिन छात्रों को श्रेणी में सुधार करना है उन छात्रों को इस परीक्षा के माध्यम से एक अवसर दिया जा रहा है। इस साल आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम सोमवार 13 मई को घोषित हुए। सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना प्रदीप मुदी राज ने प्रभाग 18 के नए हिंगना में पीने के पानी की समस्या पर ध्यान दिया और परिसर के नागरिकों के साथ नगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग को निवेदन दिया। इस अवसर पर बजरंग रोडे, राजेश शर्मा, नितिन अहीर, बाला ताइडे, शांताराम अहीर, राजेश वाघाड़े, मीना बाई नायकनवर और नवीन हिंगना के महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 2 स्टेशनों कोयम्बटूर से भगत की कोठी के बीच चलने वाली साप्ताहिक विशेष एक्सप्रेस को जून के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अकोला से कोयम्बटूर जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।